ऑप्टेटिव को ना बेटा हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य, यानी हर उस तरह का वाक्य जिसमें किसी ना किसी तरह की फीलिंग को दिखाया जा रहा है जो इच्छा से संबंधित है। मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मैं ये बनूंगा, इस तरह की। भगवान आपको खुश रखे, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, इस तरह की जो लाइनें बोलते हो ना जिसमें अपनी इच्छाएं प्रेजेंट करते हो, उसे इंग्लिश कहती है ऑप्टेटिव। इसमें ये पांच तरह की फीलिंग्स दिखाई जाती हैं। और मजेदार बात पता है क्या है, बड़े सारे बच्चों को इन पांचों का फर्क नहीं पता होता। तो यहां पे बहुत कुछ नया सीखोगे, ध्यान से सुनना। पहली बात यह है बेटा, विश, हमारी इच्छाएं दूसरों के लिए अच्छी, भगवान आपका भला करे, ये विश है। भगवान आपका सत्यानाश करे, ये कर्ज है, समझे। तो जब हम दूसरे के लिए कुछ बुरा चाहते हैं ना तो वो कर्ज होता है, जब हम दूसरे के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो विश होता है। विल होता है हमारी इच्छाएं जिन्हें पूरा करने में ताकत लग रही है। जैसे आप अमीर बनना चाहते हो, ताकत लगेगी। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ताकत लगेगी। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, ताकत लगेगी। आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो भी ताकत लगेगी। तो इस चीज को कहते हैं विल। विश, डिजायर क्या होती है, खाना खाना है, पानी पीना है, सोना है, यार बातें करते हैं, यार फोन मिला लेता हूं, ये क्या होती है बेटा, ये हमारी डिजायर्स होती हैं। प्रेयर होता है जो हम भगवान से मांगे। देखो एग्जांपल से बताती हूँ, जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना बेटा, वो मे से शुरू होते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म, हमेशा। जब भी आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा ये शॉर्टकट पक्का चलेगा, सेंटेंस मे से शुरू होगा और एक्सक्लेमेटरी साइन पे खत्म।